और वहीं राज्यसभा में जिन महिला सांसद फूलो देवी नेताम के साथ धक्का मुक्की हुई, हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने उनसे खास बातचीत की है। राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम से खास बातचीत की गई है, इस दौरान उन्होंने अपनी बातें रखी है। संसद में महिला सांसदों के साथ बदसलूकी हुई है, जिनके साथ हुआ है वो हमारे साथ मौजूद है, फूलो देवी नेताम जी, इनसे बात करते हैं। मैम, कल क्या कुछ हुआ संसद के अंदर? देखिए, मार्शल, पुरुष मार्शल भारी तादाद में थे और महिला एक दो थे जो हमारे सामने। हमारा मांग है कि हम महंगाई पे चर्चा करें, कृषि बिल पे चर्चा करें, काना कानून वापस लें, पेट्रोल डीजल की कम करें। तो जब ऐसे ऐसे बिल को लाते हैं जो पहले से जानकारी नहीं रहती, उसके विरोध में हम वहाँ तक चले गए। और एक महिला मार्शल में दम नहीं है कि दो दो सांसद को धक्का दे भगाए। पुरुष मार्शल लोग धक्का दिए हैं, जिसके तहत मेरे को इतना हाथ में चोट आया है, दोनों बाजुओं पे चोट आई हुई है, कमर पे चोट आई हुई है, इधर की पसली पे चोट आई है। इस तरह की हरकत करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी सरकार को कड़े निंदा करते हैं। अब आगे आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि देखा जाए केवल आप नहीं है, बाकी महिला सांसदों के साथ ऐसे ही व्यवहार हुआ? देखिए, महिला सांसदों के साथ इस तरह की व्यवहार होती है तो हम ऐसी सरकार पे, ऐसे मोदी जी पे क्या विश्वास करें कि इस देश में महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगे? आए दिन बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और उस केस को छुपाया जाता है, रातों रात देह संस्कार कर दिया जाता है। इस तरह के पहली बार लोकतंत्र में देखने को मिलता है। कैसे हमारे लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, कैसे हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा? जो विपक्ष के आवाज़ सही आवाज़ को उठाना चाह रही है तो उस पर अनसुना कर दी जा रही है, किस बात की डर है इन्हें? तो आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि आखिरकार मोदी सरकार को डर किस बात का है, आखिरकार वो विपक्ष की आवाज़ सुनना क्यों नहीं चाहते, आखिरकार इस तरीके से महिला सांसदों के साथ व्यवहार क्यों किया गया। इन तमाम सवालों के जवाब विपक्ष की सरकार से मांग रहा है। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।